ये डीएपी और ये ऑर्गेनिक वाला सेम सेम ही लग रहे हैं लगभग। सवा किलो एक दो सौ है, एक दो सौ और डालो थोड़ा इसमें, बराबर करो ना, तभी तो नापने में तुम्हें जो है दूसरे बार में नापेंगे नहीं, खाली इसी के नाप लोगे तुम। पाँच में आठ किलो, पाँच में आठ किलो, पाँच ये नौ किलो हो गया, हो जाएगा क्योंकि जरा ज्यादा पड़ रहा है ना, ना पर इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाऊँ अंगूठे यहाँ पे थोड़ा खाली। चलो चलो ठीक, कितना पता नहीं चल रहा है इसमें कौन सी डीएपी है कौन सा वो है। इसको ले लो डालने के लिए, एक ये ले लो, एक एक किलो का करीब है इतना, उससे तभी किसान लग गए हैं खेत में। अमन भाई डीएपी पकड़े, अब मैं दूसरी बाल्टी में पकड़ता हूँ। सरसों लगाने की तैयारी हो रही है डीएपी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिक्स करके, वो डब्बे में उतना डाल दे वाला मेरा वाला, ये नहीं ये नहीं, ये तो तिवरे है ना, दो डब्बे डाल दिए ना तूने। पीली सरसों लगा रहे हैं अलग अलग करके दिया पापा ने, अभी नए नए किसान है। पीली सरसों का बीज डाला जाएगा अब। बुआई चल रही है सरसों की, पीली सरसों की, पीली सरसों का बीज, और ये पूरे पट्टे में बीज डालना है सरसों का। अभी हमने पीछे की तरफ डाल दिया था थोड़ा उधर वाले में, अब पूरे में डालते हैं। अच्छा तुम उधर को चलना, मैं उधर की लाइन में, हाँ मैं इधर की लाइन में चलता हूँ, यहाँ तक डाल दिया ना, चलो अब यहाँ से डालते हैं बीज, नए नए किसान बने। बीज दिख भी नहीं रहा कब। हेलो दादी लोग, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं फिर से अपने फार्म में आ गया हूँ, आज तो जेसीबी वाला भाई आया नहीं है, तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम चल रहा है। ये जो बेड बने हैं इसमें होगी मोरिंगा प्लांटेशन, और इसमें तब तक हमने सरसों लगा दी है, अभी काम बचा है, अभी पूरे खेत में हुआ नहीं है। और ये देखो पानी दिख रहा है, पेड़ की वो भी दिख रही होगी छाया, तो पानी बहुत साफ़ है। चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप सब लोग को, ये देखो गड्ढे में पानी कितना साफ़ दिख रहा है, ये जैसे टूटा है ना, तो ये थोड़े थोड़े टूट रहे हैं, तो हमने पूरे बेड में वहाँ पे पूरा लोड मिट्टी को नहीं दिया है, ऐसे कटिंग करी है अलग अलग, और दो एक फिट करीब छोड़ दिया है, अगर टूटेगा भी तो थोड़ा कम आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले बेड को कोई परेशानी नहीं होगी। और जो हमारा ज़मीन का लेवल है वो ये है, इस लेवल में बरसातों में पानी भर जाएगा, इसलिए ये लेवल लिया है ताकि हमारे मोरिंगा के ट्री को कोई दिक्कत ना आए बरसात में भी, सारा पानी जो है वो इन नालियों में आ जाएगा और इन नालियों से होते हुए सीधे खेत से बाहर चले जाएगा। ये पानी का लेवल देख रहे हो, पहले बहुत कम था लेकिन अभी दो दिन हो गए इसका निकास नहीं है, तो इसका लेवल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक पहुँच गया है, वरना ये लेवल कम से कम काफ़ी नीचे था, एक फीट नीचे था। तो ये बेड बनाने का जो कारण है वो यही है कि हमारा जितना भी प्लांटेशन होगा ज़मीन का पानी फैक्टर ना करे, प्लांट अपने हिसाब से पानी ले लें, और जो बरसातों का पानी हो वो भी इस लेवल में आके रुक जाए, और यहाँ प्लांट होगा ऊपर तो उसे फंगस वगैरह से और किसी भी चीज़ों से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें पानी ज़्यादा हो गया है स्रोत में, तो इस गैंटी की मदद से थोड़ा सा जो निकास वाली गूले हैं उसमें डाल देंगे इसे। देखो इसका निकास बना दिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी निखर जाएगा, जा रहा है ना हल्के हल्के करके, सीधे जाएगा ये इधर नाली में, थोड़ा और खोल देता हूँ उधर से और जाएगा। ये जो सूखी सतह में है वो अभी हल्का अंकुर फोड़ रहा है, हो जाएगा मतलब देर में होगा, लेकिन जो दाना नीचे को गया है ये देखो, और जो छाया में नमी में था ये देखो। कुछ टाइम पहले इसमें सरसों लगाई थी, और ये देख सकते हो आप सरसों आ गई है, और ये
मेरी लाइफ की पहली फसल है, और ऐसे ही झुंड में आपको और भी दिख रहे होंगे ये देखो। और ये कुछ टाइम बाद पूरे खेत में हो जाएंगे, कितना कितनी खुशी, इतनी खुशी। ये देखो निकल गई है सरसों। बाहर की सतह में थोड़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन निकल जाएगा। जैसे ये देखो बगल में इसके थोड़ा सा छाया में था तो ये जल्दी निकल गया, और जैसे ये गड्ढे में था